क्या बात हुई थी उनसे फर्स्ट टाइम जब आप ऐसे अरेंज मैरिज में मिले थे उस समय फर्स्ट कॉन्वर्सेशन क्या हुआ था याद है नो no, no, क्या कन्वर्सेशन हुआ था याद आ, तो हुआ सर आपको नहीं कुछ ऐसा याद नहीं है हम आ, मेरी मैरिज ना बहुत इंटरेस्टिंग है दीपक आ जाओ आ जाओ आज हाँ आज आ जाओ बिल्कुल आ जाओ <laughs> <laughs> हाँ इंटरेस्टिंग ऐसे है कि जब ये बात है देखो आ, मैं 83 में एकेडमी में गया तो फिर एटी फोर एट्टी फाइव में हम पास आउट हो गए ऑफिसर बन गए तो घर पे प्रेशर था ही फादर सुबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन रिटायर हुए थे तो सब पूछते सब बेटे की शादी रिश्ता ले लो लोग चिट्ठियाँ लिखते थे पूछ के आते थे घर तो ऐसे तो उन्होंने मुझे एक दो साल में कहना शुरू कर दिया भाई बहुत रिश्ते आ रहे हैं अब तू बता तेरी हमने करनी है शादी हम लड़की देखनी है ये वो तो मैं ऐसे ही एक दिन मैंने कहा देखो बात ठीक है मेरी मदर को ये लगता था ये लव मैरिज करेगा अच्छा हाँ मेरी क्योंकि मेरे विचार बड़े अब आई वॉज अ पोएट आई वॉज अ राइटर आई वॉज अ एक्टर आई वॉज अ डिबेटर तो और पढ़ता था वो चीज़ें जो प्रेमचंद को पूरा पढ़ा टैगोर को पूरा पढ़ा बुल्ले शाह पढ़ा कबीर पढ़ा नानक पढ़ा रामधारी सिंह दिनकर को पढ़ा और हिंदी लिटरेचर इंग्लिश लिटरेचर बहुत मेरा पढ़ने में था तो मेरे विचार बहुत लीक से हटके थे तो मेरी मदर को था ये, पता नहीं क्या करेगा ये हाँ. फिर मैंने जब एक दो साल सर्विस होगी मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है करेंगे अरेंज मैरिज तो दे साई ऑफ रिलीफ तब ये बात आई तो मैंने अपने बट ये फिर आ, बड़े से, ऐसे कोई किसी से बात आपकी चल नहीं रही थी कि यार कहीं लव मैरिज नहीं नहीं कहीं नहीं वो, प्यार नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं था जो छोटा मोटा हुआ वो दैट क्लोज चैप्टर्स क्योंकि डिस्टेंस और इसकी उसकी बात है तो आई वॉज कमिटेड आई वॉज कमिटेड टू अरेंज मैरिज एज पर माई फ्रेंड्स विशेष वो कमिटमेंट थी अपनी उसमें कोई दो राय नहीं थी मैं बाकी तो फादर ने मेरे प्रेशर डालना शुरू किया था एक दिन मैंने कहा ठीक है मैं कर लूँगा लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट है क्या रिक्वायरमेंट है मैंने कहा देखो मुझे लड़की चाहिए साइंस बैकग्राउंड से तो ये क्या मतलब है मैंने कहा देखो मुझे आर्ट्स बैकग्राउंड की लड़की से शादी नहीं करनी दूसरा मैंने कहा मैंने मुझे बहुत सीनियर ऑफिसर की बेटी से शादी नहीं करनी है क्योंकि मतलब ऑफिसर की बेटी से शादी करनी ये कन्फर्म था नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं था मैंने मना किया था इनफैक्ट मैंने कहा मुझे बहुत सिंपल घर से लड़की चाहिए मुझे साइंस बैकग्राउंड की लड़की चाहिए वो कहते ये क्यों मैं कहा देखो मैं बहुत कमज़ोर था मैथ्स में साइंस में मैं कहता हूँ मैं नहीं चाहता ये ह्यूमिलेशन मेरी अगली पीढ़ी से <laughs> तो मैं आई वॉज वेरी क्लियर मैं तीस साल आगे की सोच के चला था कि भाई शादी करूँगा ऐसी लड़की से जो मैथमेटिक्स और साइंस में अच्छी हो और बाकी चीज़ें इनफैक्ट मैंने घर में जोक मारा था मैंने कहा चाहे हेमा मालिनी हो और क्या कहते हैं माधुरी दीक्षित हो लेकिन अगर आर्ट्स की है तो देखने भी मत जाना मैं नहीं जाऊँगा <laughs> अच्छा हाँ तो तब जब ये मेरी भी वाइफ हैं इनका रिश्ता आया कि ऐसे ऐसे रोहतक में एक लड़की है एम केमिस्ट्री कर रही है उससे पहले बी करी है उसने थ्रो टॉपर रही है ऐसे ऐसे है तो मैंने आ, आ, मैंने कहा हाँ कहते देखना मैंने कहा देख लेंगे बट मेरी तरफ से हाँ है आप देखाओ तो देख के उनको ठीक लगा घर भी अच्छा तो था। तो देखा आपने क्या बायोडाटा देखा था नहीं नहीं घर उस तब चिट्ठियाँ आती थी चिट्ठी हाँ। लिखी थी उन्होंने फिर हमें आया छुट्टी ये जुलाई की बात है जुलाई एट्टी एट की मैं छुट्टी आया तो हम अगले दिन गए उनके घर फादर मदर भी थे आ, हम सब उनके घर चाय पी के आए देखा मैंने इसको पहली बार वो तो दूरी बैठी थी तब ये नहीं था कि जी मतलब बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली तो हमने बता दिया ओके वहीं पर बता दिया ओके दो दिन के बाद हम आ गए इनके घर में रिंग सेरेमनी के लिए अच्छा हाँ दो दिन में रिंग सेरेमनी होगी और उसके बाद जो है आ, मैंने कहा ऐसे वाइफ साइड में बैठी थी जब पहली बार बैठी रिंग वगैरह डाली मैंने कहा यार मैंने परसों जाना है वापस और मैं यहाँ से होते हुए जाऊँगा वो इतनी शर्माए वो कहती है तुम तो मेरे घर तो आम मत जाना दिस वॉज द फर्स्ट थिंग है मेरे घर तो आप मत जाना तीन चार बड़े बड़े भाई हैं यहाँ वो कोई रोमांस का कोई चक्कर नहीं है कि अब सगाई होगी आएगा मिलने के लिए तो तो ऐसे हमारी फिर नवंबर में शादी हुई और उस दौरान नवंबर 88 में नवंबर 88 में और मैं पुंछ में था बहुत टफ एरिया के अंदर था तो मैं बहुत चिट्ठियाँ लिखने का मुझे शौक़ था तो मैं छः सात चिट्ठियाँ लिखता था तो एक का जवाब आता था उसकी तरफ से अच्छा हाँ और बहुत लंबी लंबे ख़त लिखे हैं मैंने अपनी ज़िंदगी में तो वो फिर मतलब दैट इज़ हाउ वी गॉट मैरिड बेहतरीन